क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के दोनों ही वार्म अप मैच जीत लिए हैं और अब टीम इंडिया का असली मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ दुबई के मैदान में होगा। इस मैच से पहले टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में आ चुकी है। भारत के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया है और पाकिस्तान से मैच के लिए टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी भी पिक कर लिए गए हैं। जी हां, दोनों ही वार्म अप मैचों में खिलाड़ियों को आजमाया गया और फाइनली टीम तैयार हो गई है। 11 खिलाड़ी चुन लिए गए हैं और कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। धोनी की छाप पूरी टीम में नजर आ रही है, तो आपको बताते हैं कैसी है ये टीम, कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे पाकिस्तान से मैच। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 24 अक्टूबर को इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला है और हालत ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल से ज्यादा हाइप भारत पाकिस्तान मैच की हो रही है। ऐसे में टीम पूरी तरह से तैयार है। बड़ी बात ये है कि इस बार 4-1-6 का कॉम्बिनेशन रखा गया है। अब टीम कैसी होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, वो भी देखिए। तो सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। ओपनिंग में रोहित शर्मा और केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। रोहित और राहुल दोनों ही खिलाड़ियों ने वार्म अप मैचों में शानदार खेल दिखाया है और दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं। और वैसे भी रोहित तो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही तूफान मचाते रहे हैं। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली खेलने आएंगे। विराट भी पाकिस्तान को कुचलने के लिए बड़ी पारी यहां पर खेल सकते हैं। जबकि चौथे नंबर पर लंबी माथा पच्ची के बाद फाइनली सूर्य कुमार यादव को रखा गया है। जी हां, यहां पर कई सारे ऑप्शन थे, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और यहां तक कि श्रेयस अय्यर भी, लेकिन सूर्य के नाम पर मुहर लग गई है। और बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया में सिर्फ 4 ही बल्लेबाज खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, टीम में सिर्फ 4 बल्लेबाज होंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलने आएंगे। पंत की जगह भी बिल्कुल पक्की है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स की भरमार है। टीम में 6 नंबर पर खेलने आएंगे रविंद्र जडेजा, जो कि टीम के मेन ऑलराउंडर हैं। यानी इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, ये बड़ी खबर है। और 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलने आएंगे। वहीं 7वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर को रखा जा रहा है। जी हाँ, शार्दुल को भी टीम में रखा गया है और एक बल्लेबाज के कम खेलने पर शार्दुल को यहाँ पर खिलाया जाएगा। जबकि तीसरे ऑलराउंडर के रूप में रवि अश्विन को रखा जा रहा है। अश्विन भी टीम में लिए गए हैं, जो कि बड़ा और तूफानी फैसला है। अब 3 गेंदबाज भी यहां पर रखे जा रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में जडेजा और अश्विन के अलावा वरुण चक्रवर्ती को रखा गया है और वरुण की मिस्ट्री गेंदें पाकिस्तान के खिलाफ कत्लेआम मचा सकती है और भारत के लिए वरुण तुरूप का इक्का भी साबित हो सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी का खेलना तय है और बुमराह बेहद शानदार फॉर्म में हैं, तो शमी के विकेट निकालने की क्षमता से सभी वाकिफ है। अब ये टीम पूरी तरह तैयार है, रेडी है और धोनी ने इस खास कॉम्बिनेशन को बनाया है। इस मैच से पहले पिच देखकर, पिच का बिहेव देखकर सिर्फ एक बदलाव की संभावना दिख रही है और वो ये है कि अगर हार्दिक पांड्या को खिलाया जाता है तो फिर गेंदबाजी में 2 बदलाव होंगे। रवि अश्विन की जगह पर हार्दिक पांड्या टीम में आएंगे और बैटिंग के लिए 6 नंबर पर आएंगे, जबकि तब टीम में सिर्फ 2 ही स्पिनर होंगे, जड्डू और वरुण। और पांड्या अंदर आते हैं तो फिर शार्दुल को भी बाहर जाना होगा। फिर विशुद्ध गेंदबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार की टीम में एंट्री होगी। यानी सिर्फ हार्दिक को लेकर आखिरी वक्त में फैसला हो सकता है और पिच देखकर ही यह तय होगा कि 3 स्पिनर खिलाने हैं या नहीं, बाकी टीम फाइनल है। तो इस पूरी टीम पर आपका क्या कहना है, टीम को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इस सीजन का IPL भले ही खत्म हो गया हो, मगर IPL को लेकर, CSK को लेकर, धोनी को लेकर बस खत्म नहीं हुआ। हर तरफ यही बात हो रही है कि आखिर कौन सी टीम किस खिलाड़ी को रिटेन करेगी, किसे नीलामी में खरीदेगी, और सबसे बड़ा सवाल तो धोनी को लेकर ही था।
अब इस बीच कुछ जगहों पर खबरें भी आई कि चेन्नई के लिए रिटेन होने वाले पहले खिलाड़ी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक इंडिया सीमेंट्स कंपनी के चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने साफ साफ कह दिया है कि धोनी के साथ क्या होने वाला है और धोनी क्यों नीलामी में जाएंगे। श्रीनिवासन चेन्नई के एक मंदिर में अपनी टीम की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पहुंचे थे, जिसके बाद श्रीनिवासन ने पत्रकारों से बात की। श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी के बगैर चेन्नई की कल्पना नहीं की जा सकती और चेन्नई के बगैर धोनी के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स है तो धोनी है और धोनी है तो ही चेन्नई सुपर किंग्स भी है। अब ये बहुत बड़ी बात श्रीनिवासन ने कह दी। यही नहीं, श्रीनिवासन ने इसके बाद आगे कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के सारे फैसले धोनी ही लेते हैं, मैं नहीं लेता। जी हाँ, ये और भी बड़ी बात थी। और साथ ही साथ श्रीनिवासन ने कह दिया कि सीएसके टीम की बात करें तो धोनी वहां मेरे भी बॉस हैं, मेरे भी मालिक हैं। जी हाँ, यही कहा एन श्रीनिवासन ने। लेकिन इसके साथ ही श्रीनिवासन ने कुछ ऐसा कहा कि फाइनल ये भी हो गया कि धोनी अब नीलामी में जाने वाले हैं। श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी को ही 2022 के लिए टीम तैयार करनी है, धोनी को ही तय करना है कि किसे टीम में रखना है, किसे रिटेन करना है, किसे रिलीज करना है और किसके लिए 2022 की जनवरी में बोली लगानी है। आगे देखिए, श्रीनिवासन ने आगे कहा कि अभी तक रिटेन करने वाले खिलाड़ियों के नियम बीसीसीआई ने पूरी तरह से साफ नहीं किए हैं, लेकिन अभी तक जो पता है उसके हिसाब से सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो धोनी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। श्रीनिवासन ने कहा कि हम जडेजा और ऋतुराज जैसे खिलाड़ी को नहीं छोड़ सकते और ये खुद धोनी ने भी कहा है। यानी श्रीनिवासन ने साफ साफ कह दिया कि 2 खिलाड़ी जो रिटेन होने वाले हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा हैं और धोनी खुद को रिटेन नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर और कंफर्म खबर आपको चेन्नई से बता रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कि धोनी खुद ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फैसला ले रहे हैं कि वो खुद नीलामी में जाएंगे ताकि जडेजा और ऋतुराज किसी और टीम में ना जा सकें और फिर नीलामी में भले ही सीएसके की टीम धोनी को एक बार फिर से खरीद लेगी, क्योंकि ये भी साफ है कि धोनी किसी और टीम से आईपीएल नहीं खेलेंगे, ये सभी फ्रेंचाइजी अच्छी तरह से जानती हैं और इसीलिए बाकी कोई भी और टीम धोनी के लिए बोली नहीं लगाएगी और इसीलिए धोनी का रिटेन नहीं होने के बाद भी सीएसके में ही खेलना, सीएसके की कप्तानी करना, सीएसके का सर्वे सर्वा होना पूरी तरह से तय है। यानी कि खुद धोनी ने ही प्लान किया है कि वो नीलामी में जाएंगे, खुद को नीलामी में झोंकने का प्लान खुद धोनी ने बनाया है और खुद धोनी ने ही तय किया है कि उन पर बोली लगाई जाएगी ताकि 2 दिग्गज खिलाड़ी ऋतुराज और जडेजा टीम में बनाए रखे जा सकें और श्रीनिवासन ने इस प्लान को सबके सामने खोल भी दिया। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि धोनी चेन्नई टीम के कप्तान नहीं है बल्कि सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं। धोनी कोच से भी ऊपर हैं और धोनी ही तय करते हैं कि टीम में क्या होगा, कैसे होगा और किसकी वजह से किसके लिए होगा और इसीलिए खुद धोनी ने अपने लिए यहाँ नया प्लान भी बनाया है। अब इंतजार है रिटेंशन के नए नियम जारी होने का, जिसके बाद ऑफिशियली ऐलान होगा कि सीएसके टीम किसको रिलीज करती है, किसे रिटेन करती है और बाकी टीमों के भी बारे में पता चल सकेगा। तो आपका क्या मानना है, क्या धोनी का खुद को नीलामी में झोंकने का प्लान सही है या फिर गलत, कितना सही ये प्लान है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।